हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर है जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी अगले 1 घंटे की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? तो आपके जो भी पार्टनर है, स्ट्रांगली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 14 3 4 8 7 1 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो यस, अगले 1 घंटे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन इनको इस रिश्ते को नहीं खोना है, मुझे इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना है। प्रैक्टिकल पर्सन थे बहुत ज़्यादा, तो अब इनकी इमोशनल साइड भी डेवलप हो चुकी है। अब जो कि अपने आप को आपके साइड में रख के देख रहे हैं कि आप उस टाइम पे कैसे सही थे और इन्होंने आपको कैसे गलत समझा, तो ये आपके बारे में आप सोचने लगे हैं। पहले जैसे कि इनको यही लगता था कि मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है और जो कि आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनको ये फील होने लगा है कि इनके इमोशंस अगर किसी के लिए है, अगर किसी के लिए वो सच्चा प्यार फील करते हैं तो सिर्फ आपके लिए करते हैं, चाहे जो हो जाए, लेकिन अब मुझे कुछ भी करके इस रिश्ते को हासिल करना है, इस रिश्ते में बैलेंस लाना है। अगर इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी जी, तो उन थर्ड पार्टीज के साथ आपको बैलेंस करना है। नहीं मान रहे तो चाहे जो हो जाए, लेकिन अब आपको वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये किसी मिराकल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है और क्रिएटिविटी का कार्ड। क्रिएटिविटी का कार्ड यही शो करता है कि अगला 1 घंटा आपके जो भी पार्टनर है आपको लेके बहुत ज़्यादा, आप इस कार्ड्स को अगर देखोगे ना, आपको ये कार्ड बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा। यहाँ पे सनलाइट है, फ्लावर्स है, वाटर बह रहा है, जो कि गुड न्यूज़ को शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है। आपके पार्टनर अगला 1 घंटा आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। या आपके साथ जैसे कि शादी करने के प्लानिंग कर सकते हैं, आपको कुछ गुड न्यूज़ देने के प्लानिंग कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि सच में आके आपसे बात करना स्टार्ट करें। अगर आपने इनको कुछ कॉल मैसेज करके रखा है तो उसका रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। मतलब इस रिश्ते में जो भी बिगड़ी हुई सिचुएशन है, मुझे उस बिगड़ी हुई सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, इसके प्लानिंग, शादी की प्लानिंग, घर बनाना है, स्टेबल रिश्ता बनाना है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी है, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर को मेरी ज़िंदगी में वापस लाना है, इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आपको बहुत, आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखेंगे, आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत पाएंगे, इतना खूबसूरत कि ये जलेंगे आपके ऊपर। इनको ना देखा नहीं जाएगा आपकी खूबसूरती, और फिर ये आपकी खूबसूरती का राज ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो इनको आपके अंदर ईगो दिखाई देगा कि आप तो बहुत ज़्यादा रूड, घमंडी, ईगोइस्टिक बन चुके हो और पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहे हो। इनको आपके अंदर ना ऐसे अब मैं हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी फीलिंग्स इनको आपसे आएगी, ठीक है? तो ये ना सोचेंगे कि क्या सही रहेगा अब इनका आपके पास आना, क्योंकि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको मुड़कर भी नहीं देखा। तो अब जब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, जब इनको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई है, तब ये आपके पास आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड ने जैसे कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप तो इतने बदल चुके हो कि ये अगर ये आते हैं ना आपके पास, आपके अंदर तो सच में बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका है, तो आप इनको ईगो ही दिखाओगे। पहले तो आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, तो ये आपका ईगो तो कभी नहीं झेल पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज है। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड यही शो करता है कि फिर जो कि अवेयर रहेंगे, जाओ कि नहीं जाओ, मैं तो इसके बिना हैप्पी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मर रहा हूँ जीते जी, लेकिन ये नहीं झेल पाएंगे आपकी इस नेगेटिविटी को, आपके गुरूर को, और जैसे कि इंसल्ट को, जैसे इंसल्ट इन्होंने आपकी करी थी वैसे इंसल्ट अगर आप इनकी करते हो, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट करते हो, ये डिसरिस्पेक्ट भी नहीं झेल पाएंगे। इसकी वजह से लेटिंग गो का कार्ड है। यहाँ पे बहुत दिल करेगा बात करने, लेकिन लेट गो कर देंगे, नहीं बाबा मैं नहीं जाऊँगा, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो। वैसे भी आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इनको अच्छे से पता है आपको कितना गुस्सा आता है और आप कैसे लड़ते हो अपने आप के लिए, ये अच्छे से जानते हैं। तो आपके गुस्से से भी डरेंगे, आपकी ग्रोथ से भी जलेंगे, तो लेट गो कर देंगे।
वैसे प्यार तो मैं तुझे से करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं झेल पाने की वजह से लेट गो करना है। और जो कि मैनिफेस्ट भगवान से बहुत ज़्यादा आपको मांगेंगे, जैसे लड़की इस टूटते तारे से अपनी विश मांग रही है, वैसे आपके पार्टनर अगले 1 घंटा बहुत ज़्यादा भगवान से मन्नत करेंगे। हो सकता है कि सच में कोई ऐसी मन्नत कर दे कि अगर मेरी ये मन्नत कंप्लीट हो जाती है तो मैं ऐसा ऐसा कुछ करूँगा, या आपको गॉड से मांगते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगला 1 घंटा बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से देख के, आपकी इस ग्रोथ को देख के, ये आपके लिए एक्शन नहीं लेने वाले हैं और लेट गो करने वाले हैं। ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है करंट में आपके पास आने की। अगले 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं। वेट एंड वॉच, डिवाइन टाइम का इंतज़ार, पॉजिटिविटी, सब कुछ अच्छा होने का इंतज़ार। आपको जैसे कि फिर से इनका या इनकी याद कब आएगी, पहले जैसे आपके इमोशंस इनके लिए कब होने वाले हैं, ये इस तरह से सोचते रहेंगे अगला 1 घंटा, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज दे रहे इस वक्त रिवर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। हो सकता है कि ये डरते हैं, तो डिवाइन आपको इस वक्त ये बता रहे हैं कि आपको खुद होके सामने से आगे जाने की ज़रूरत है, खुद होके एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप इनको मतलब खुद होके ईगो नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपके अंदर ईगो है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसके सामने नहीं झुकना है, तो रिलीज़ कर दो आपके पार्टनर को, छोड़ दो, उनको याद भी मत करो, उनके लिए रीडिंग्स भी मत देखो, एफर्ट्स भी मत लगाओ, अपने पास को ही भुला दो। इस तरह से आपको डिवाइन बता रहे हैं। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में सच में कोई और आ चुका है जो आपको सच में पसंद करता है, और आपको उनको लेके ऐसा लगता भी कि ये पर्सन मुझे पसंद करता है। तो यस, ये टाइम है उनके साथ रिश्ता स्टार्ट करने का, आपके पार्टनर को आपके इस एनर्जी से रिलीज़ कर देने का, और जैसे कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। इस तरह से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ये सब कुछ वक्त के साथ अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे देखकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।